हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। अगर आप आईआईटी जेम 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो एग्जाम डेट है वो क्या हो सकती है, इस बार एग्जाम कौन कराने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या हो सकता है, और एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट को ये कि सर इस बार कुछ सिलेबस में चेंजेस हो सकते हैं क्या। 2022 में सिलेबस चेंज हुआ था आईआईटी जेम का, क्या सर इस बार कुछ चेंजेस हो सकते हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद काफी सारे स्टूडेंट्स इस बार बीएससी फाइनल करने वाले हैं जो कि नए एजुकेशन पॉलिसी के सिलेबस के तहत है, तो हो सकता है छोटे मोटे कुछ बदलाव हो, इसके बारे में भी इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो सुन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि जो आईआईटी जेम 2025 एग्जाम है ये कौन कराने वाला है। तो आईआईटी जेम 2025 एग्जाम आईआईटी दिल्ली कराने वाला है। एक और सवाल उठता है कि सर जो आईआईटी जेम 2024 एग्जाम था उसका पेपर बहुत टफ आया था, जो कि आईआईटी मद्रास ने सेट किया था और पेपर का लेवल काफी टफ था। जहां पर कट ऑफ की बात करी जाए तो 11 नंबर कट ऑफ गया था, और एससी एसटी की बात करी जाए तो अराउंड 5 to 7 मार्क्स के आसपास कट ऑफ गया था, जो कि बहुत ही लो कट ऑफ था। तो क्या सर आईआईटी दिल्ली भी इसी प्रकार के पेपर सेट करता है? सर आईआईटी दिल्ली ने 2025 से पहले कब एग्जाम कंडक्ट कराया था और उसका कट ऑफ क्या था, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। सुन, आईआईटी दिल्ली जो है उसने पहले 2017 में, 2013 में और 2011 में आईआईटी जेम कंडक्ट कराया था, इस बार 2025 भी ये कराने वाला है। आईआईटी बॉम्बे की बात करें तो 2012 और 2018 में कंडक्ट कराया था, आईआईटी कानपुर 14 और 20 में। इस प्रकार से आप अलग अलग आईआईटीज का यहां पर देख सकते हैं। आईआईटी दिल्ली ने 2025 जो भी एग्जाम होने वाला है इससे पहले 2017 में कराया था, उसकी कट ऑफ मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2017 में जो कट ऑफ रही थी वो क्या रही थी। तो आप देख सकते हैं, सुन यहां पे 2017 में जो कट ऑफ थी वो यहां पे 19.51 मार्क्स थी जनरल स्टूडेंट्स की। अगर ओबीसी की बात करी जाए तो अराउंड 17.56 मार्क्स थी, एंड एससी एसटी की बात करी जाए तो 9.76 मार्क्स कट ऑफ थी। मतलब पेपर टफ तो नहीं हो सकता, पर हाँ थोड़ा सा लेवल का होगा, है ना। नॉर्मली जो दूसरे आईआईटी पेपर कंडक्ट करते हैं उनका कट ऑफ ज्यादा होता है एस कंपेयर टू आईआईटी दिल्ली। इससे पहले 2024 का आईआईटी मद्रास ने करा था, इसका थोड़ा कम कट ऑफ गया था, मतलब पेपर यहां पे इसका टफ आया था, तो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा यहां पे इजी आप कह सकते हैं, राइट। तो इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस बार जो पेपर है वो आईआईटी दिल्ली सेट करने वाला है, और पेपर का जो लेवल है वो पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा इजी होगा, पर हां इतना भी इजी नहीं होगा क्योंकि कट ऑफ जो है वो इससे जस्ट थोड़ी सी ज्यादा है, पर इतनी भी ज्यादा नहीं है, तो पेपर यहां पे थोड़ा सा लेवल का आ सकता है। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो 2022 में इसका सिलेबस चेंज हुआ था आईआईटी जेम का, तो इस बार 2025 एग्जाम में क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं या पैटर्न में कुछ बदलाव हो सकते हैं, तो अभी इसकी कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, पर हां अगस्त लास्ट वीक या सितंबर फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आएगा, वहां पे और क्लियरिटी मिल जाएगी कि इसके सिलेबस में कोई चेंज हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, क्योंकि जब नोटिफिकेशन निकलता है तभी ये सब बातें होती है कि भाई सिलेबस चेंज हो रहा है या पैटर्न में कुछ बदलाव हो रहा, पर अभी तक इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जो सिलेबस है वो पुराना वाला ही, 2024 में जो एग्जाम हो वही सिलेबस को लेके आप प्रिपेयर करिए। अगर कोई छोटा मोटा माइनर चेंजेस हुआ या कोई टॉपिक ऐड हुआ तो वो मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा मेरे आने वाले वीडियोस के अंदर। अब बात करते सुन यहां पे कि सर एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज हो सकता है, तो अभी तक इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। नॉर्मली आपका जो पेपर पैटर्न होता है उसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन आते हैं और न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो पेपर पैटर्न में वही वो का वही होने वाला है। फिर भी अगर आपको नहीं पता है कि सर इसका एग्जाम पेपर पैटर्न क्या होता है, कितने क्वेश्चन किस पार्ट से आते हैं, तो सुन मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो अपलोड कर रखा है जो कि आप यहां पर जाके देख सकते हैं या फिर आईटेप पे जाके भी आप देख सकते हैं। सुन बात करते हैं एग्जाम डेट के बारे में कि सर एग्जाम कब हो सकता है। तो सुनिए, फरवरी का जो सेकंड संडे होता है तब ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, और इसका जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक में निकल जाता है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको जरूर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, और कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या चीजें, वो सब मैंने पिछली बार भी 2024 का एग्जाम हुआ था तब बताया था, तो 2025 में भी जैसे एग्जाम होगा तो इसके बारे में मैं जरूर आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। तो एग्जाम जो है वो इसका फेब में ही होने वाला है। अब एक सवाल यहां पे ये उठता है कि सर सीएसआईआर नेट एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ या दूसरे एग्जाम भी पोस्टपोन्ड हो रहे, तो क्या सर आईआईटी जेम में भी कोई ऐसा बदलाव हो सकता है? तो भैया बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो एग्जाम है ये एनटीए कंडक्ट नहीं करता है, ये आईआईटीज कंडक्ट करती है, तो इसका बाकी दूसरे एग्जाम से कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब इस एग्जाम को आईआईटी कंडक्ट कराती है, इसका कोई भी ऐसा चांस नहीं है कि ये पेपर यहां पे पोस्टपोन्ड हो जाए, तो इसको लेके आप परेशान ना हो। वैसे आईआईटी जेम एग्जाम की तैयारी अगर आप 2025 की करना चाहते हैं और आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप यहां पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप
बीएससी फाइनल ईयर में है तो इस एग्जाम को दे सकते हैं। आपका जो यहां पे 55% है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, आपका बीएससी के अंदर 55% से ज्यादा होना चाहिए। पर हां, अगर 60% से ज्यादा है तो आपको एनआईटी एडमिशन में दिक्कत नहीं आती। कभी कभी कुछ आईआईटीज और एनआईटी में वहां पे क्राइटेरिया होता है 60% का, तो वो थोड़ा सा आपको फुलफिल करना होता है। इसकी तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए, तो आप सेकेंड ईयर से इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और इसके सिलेबस के बारे में मैंने काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रखी, तो आप हमारे वीडियोस को भी देख सकते हैं। इसमें अगर आप आईआईटी जेम 2025 की एग्जाम की तैयारी मेरे साथ करना चाह रहे हैं, तो हम 6 जुलाई को इसका एक स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जो इसमें हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं। और हमारा जो नया बैच है वो 8 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। फाउंडेशन से हम यहां पे इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम आपको क्रैश कोर्स भी कराएंगे, जो कि हमारा बैच है प्रारंभ 2.0 एंड प्रारंभ 3.0 2026 के लिए। आईआईटी जेम के लिए भी हम यहां पे तैयारी करा रहे हैं, तो आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। और ये स्कॉलरशिप टेस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जो कि मैथ्सकेयर ऐप पे होने वाला है, तो आप इसको जरूर दीजिएगा। बाकी अगर आप बीएससी कर रहे हो और आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो हमने एनसीईआरटी फाउंडेशन जो क्लासेस है वो मैं यूट्यूब पे ले रहा हूं डेली रात को 9 से 10, और ये क्लास लाइव होती है मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, पर ये सिर्फ लाइव होती है, इसकी रिकॉर्डिंग्स हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। पर जो भी स्टूडेंट्स हमसे यहां पे तैयारी शुरू करेंगे तो उनको हम बहुत जल्दी इसको प्रोवाइड कर देंगे, तो स्टूडेंट ये जरूर देखिए आप। बाकी अगर आप आईआईटी जेम की तैयारी 2025 के लिए करना चाह रहे हैं तो 5999 हमारी फीस है। अगर आप 2026 के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं तो 9999, जहां पर लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ डीपीपी सब कुछ आपको यहां पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट ये हमारी बुक्स है जो कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, इसको आप बाय कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम, इसको ज्वाइन कर लीजिए, हमारे क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहती है। और ये हमारा ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।